हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे 3D लाइव वॉलपेपर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। गाइज, इसकी खास बात यह है कि इसमें आप अपना नाम लिख सकते हो और नाम लिखने के बाद आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे इसको लगा सकते हो। गाइज, सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। मेरे फ़ोन का जो लुक है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है और आपको यहाँ पे मौर्याजी टेक्निकल दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसी तरह यहाँ पे मूव होता रहता है। ये एक 3D वॉलपेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको इस नई ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्याजी टेक्निकल में। मैं हूँ अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ़ोन के होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो यारो, जैसा कि आप देख सकते हो, हम आ गए फ़ोन के होम स्क्रीन पे। और गाइज, आप देख सकते हो मेरे फ़ोन का जो लुक है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है और यहाँ पे आपको मौर्याजी टेक्निकल भी दिख रहा होगा। गाइज, ये एक लाइव 3D वॉलपेपर है जिसको लगाने के बाद आपके फ़ोन का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, आप जिस भी दिशा में इसको घुमाना चाहते हो आप घुमा सकते हो, उस तरह ये चलने लगेगा। और गाइज, इसकी खास बात ये है कि इसको आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से साइज़ को रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको छोटा कर दिया है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो गाइज, अब बात आती है कि हम इसको कैसे अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं आपको एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो गाइज़, अब आपको यहाँ पर ये सेटिंग का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये पहले नंबर पे टेक्स्ट मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मौर्याजी टेक्निकल लिख रखा है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो गाइज, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइलिश फ्रंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ्रंट को सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसके स्पीड को भी सेट कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे आप फ्रंट साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। फिर यहाँ पे साइज़, 3D मॉडल, आप कितना बड़ा मॉडल रखना चाहते हो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और ये है दोस्तों फ्रंट कलर, आप जब कलर पे क्लिक करोगे तो आप कलर को चेंज कर सकते हो। तो इस टाइम पे मेरे पे रेड सेट है, यहाँ पे मैं एक कलर को चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं येलो पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सेट कलर पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो गाइज़, अब आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सेट एज लाइव वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइज़, यहाँ पे मेरे फ़ोन में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि ये 2 जो हैं ये मेरे फ़ोन के हैं और उसके बाद ये एप्लीकेशन का है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज, यहाँ पे मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो चुका है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन का जो लुक है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में भी चल रहा है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो बैकग्राउंड में ये दिखेगा और काफ़ी कमाल का लुक दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में लगा सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।